गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको बोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर हम एक नए टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। क्या है? स्पेक्ट्रम। तो हम स्पेक्ट्रम के ऊपर बात करते हैं आपसे, स्पेक्ट्रम क्या होता है और उसमें हम पढ़ेंगे फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम एक बच्चा मतलब पीछे वाले क्लास में कुछ डिफिनेशन छूट जाता है, छूट गया है, मतलब उसको समझा नहीं पाए, तो उसे हम यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं। आपने टेंथ में ऐसा पढ़ा था कि जब कोई एक प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट यहाँ से पास करती है तो व्हाइट लाइट यहाँ से स्प्लिट हो जाता है इस तरीके से। इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं और जब इसे एक बड़े पर्दे पर लेके आते हैं तो इस तरीके से ये क्या हो जाता था, इस तरीके से एक बैंड, कमर बैंड तैयार हो जाती थी। है ना, आपने पढ़ा था भिव गियोर। तो ये जो आप पढ़े थे इस टाइप से, तो एक व्हाइट लाइट जब ये टूटता स्प्लिट करता है तो आपको एक लाइट का बैंड तैयार हो जाता है। है ना, जब ये लाइट टूटती है, टूटने के बाद जब एक स्क्रीन के ऊपर आता है तो स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, ये विज्योर तुम्हें दिखाई पड़ता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रेनबो देख सकते हो। रेनबो जो तुम्हारा होता है क्या होता है, इसी टाइप का रहता है, विज्योर ही रहता तुम्हारा। तो ये जो तुम्हारे पास आते हैं ना, ये सबका अपना अपना एक वेवलेंथ है। है ना, सबका अपना अपना क्या है, वेवलेंथ है। और उस वेवलेंथ को ही हम लोग, वेवलेंथ का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को ही बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसे, स्पेक्ट्रम। आगे समझ में, उसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है, एक क्लस्टर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का एक ग्रुप जहां पर आकर के जुड़ता है। तो जो हमने दसवां पढ़ा था ऐसा कि एक प्रिज्म लेते हैं और उस प्रिज्म से जब तुम्हारा नाइट पास करवाया जाता है, नाइट क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक हो जाता है तो उसे एक पर्दे पर निकालते हैं तो उसके कमर्स आ जाते हैं। तो वो जो हर कमर का अपना अपना वेवलेंथ होता है, तो वो जो वेवलेंथ तेरे पास आता है वो वेवलेंथ तुम्हारा क्या कहा जाता है, वेवलेंथ का जो ग्रुप होते हैं स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कोई नई बात यहाँ पर था नहीं, तो जो हमने पीछे पढ़ा वही चीजें थी। तो स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम है एक क्लस्टर ऑफ वेवलेंथ, क्लस्टर ऑफ वेवलेंथ को हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। ऐसे नहीं, अब ये स्पेक्ट्रम जो वो दो टाइप का है। स्पेक्ट्रम कितने टाइप का हो गया, स्पेक्ट्रम दो टाइप का हो जाएगा। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या होता है हम इसको समझाते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, अभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कि जैसे अगर मान लो कोई कंपाउंड का एक सॉल्यूशन लिया और उससे व्हाइट लाइट पास करवाए तो वो कंपाउंड ने कुछ कुछ कमर को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे अगर सोचो, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई ब्लैक है या कोई रेड कमर का दिख रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट जिस कमर का होता है उसे एब्जॉर्ब करना तब आना। तो तुम्हें क्या होगा कि जैसे अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो ये कोई व्हाइट लाइट आ रहा है, है ना, चलो इसको ऊपर ही बताते तो अच्छा रहेगा। ऐसे यहां से अगर मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है बनाना है तो देखो, एब्जॉर्प्शन में नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे अगर मान लो एक प्रिज्म लिए या पहले एक सॉल्यूशन लिए, क्यों पहले ऐसे करते हैं कि एक व्हाइट लाइट लेते हैं और इसे एक प्रिज्म से पास करवाते हैं, जब यह व्हाइट लाइट यहां से गया इस तरीके से
रिश्ते घिस गया और इसके बीच में हमने क्या क्या दिया, एक कंपाउंड रख दिया आप हमने यहाँ पर एक कंपाउंड रख दिया इसमें, ये तेरा प्रिज्म है और ये तेरा व्हाइट नाइट है ना, ये तेरा व्हाइट नाइट है और एक प्रिज्म है। प्रिज्म से जब पास करवाए तो नाइट एस्पोनेट हुआ, अब नाइट एस्पोनेट हुआ इसमें से कुछ नाइट को इसने क्या कर लिया, इस कंपाउंड ने एब्जॉर्व कर लिया। इस कंपाउंड ने मांगो कुछ नाइट को ऑब्जर्व करेंगे और यहां से एक स्क्रीन लगा दी। तो जब इस कंपाउंड से निकला तो मांगो ये इसका ऑब्जर्व नहीं किया, इसको इसको ऑब्जर्व करना, इस सबको ऑब्जर्व करना, तो ये नाइट यहां गया होगा, फिर इसको ऑब्जर्व नहीं किया, इसको नाइट यहां गया होगा, तो जिसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा वो ऐसे जा रहा होगा। तो बीच बीच में क्या बन रहा होगा, डार्क बैंड तैयार हो रहा होगा, क्या कर रहा होगा, अब जो नाइट को खींच लिया, नाइट को अपने अंदर रख लिया, वो नाइट तो बाहर निकला ही नहीं, और जब वो नाइट बाहर निकला ही नहीं इसका मतलब वहां पर क्या होगा, शैडो बनेंगे, डार्क एरिया बन जाएगा, जहां से नाइट आएगा नहीं उसको क्या करेंगे। तो ये जो तुम्हारा कुछ नाइट को एब्जॉर्व कर रहा है ना, ये जो तुम्हारे कुछ नाइट को एब्जॉर्व कर रहा है तो वो तुम्हें कहा जाएगा डार्क बैंड, वो क्या कर रहा है तुम्हें डार्क बैंड, तो तुम्हें डार्क यहां पर दिखाई पड़ेगा कुछ कुछ, उस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे हम क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो कुछ कुछ पार्ट को यहां पर क्या करने का, एब्जॉर्ब करने का, तो यहां लिखेंगे व्हेन नाइट रे पासिस थ्रू, व्हेन नाइट रे पासिस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, या अ कंपाउंड अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के सॉल्यूशन से क्या करता है पास कराते हैं, देन सम कलर्ड वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड बाय कंपाउंड तब ये कंपाउंड क्या कहता है, कुछ वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेता है। तो जानते क्या होता है, ये जो सरफेस है ये सरफेस पूरा कमर दिखेगा और उसके ऊपर बैकग्राउंड, तुम्हारा क्या होगा जो बैकग्राउंड होगा वो कमर हो जाएगा, मतलब पीछे कमर फूंक लेंगे और उसके ऊपर डार्क डार्क पैच आ जाएगा है ना। जैसे अगर मानो कि हमारे पास ऐसा है यहाँ पे, इसने ऊपर रेड हो गया, हमारा मेरा रेड हो गया, ये ऐसा भिवजियोर में हूँ, ये वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया है ना, यंगो ऑरेंज रेड, यंगो ऑरेंज और रेड हो गया। अब इसमें मांगो कि बोंगो को ऑब्जर्व करें भैया, यंगो को ऑब्जर्व करें भैया, तो इस स्क्रीन पर जब पड़ेगा तो यहाँ पर भी पड़ेगा, भी पड़ेगा, आई पड़ेगा, यहाँ बोंगो की जगह पर ब्लैक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, फिर ग्रीन यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर डार्क हो जाएगा, फिर ये क्या होगा तुम्हारा ऑरेंज यहाँ दिखाई पड़ेगा, तो ये ऑरेंज दिखाई पड़ेगा, रेड दिखाई पड़ेगा, तो पीछे तो कमर फूम दिखाई देगा तुम्हें, लेकिन उस पर क्या क्या दिखाई देंगे, डार्क पैचेज। तो तुम्हारा जो स्पेक्ट्रम तैयार होगा वो बैकग्राउंड कैसा होगा उसका, कमर फूम होगा, और जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा दिख रहा होगा, डार्क दिख रहा होगा, क्योंकि वहां पर कुछ कमर नहीं दिख रहे होंगे। तो इसमें कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डार्क बैंड ऑन कमरफुंग बैकग्राउंड तो कमरफुंग बैकग्राउंड पे क्या होगा, डार्क बैंड। कभी ऐसा देखा होगा जब टीवी भी खराब होता ना तुम्हारा, तो बंगाई कमाई लाइनिंग आने लगती है, तो बैकग्राउंड तो पीछे व्हाइट रहता है या कमरफुंग रहता है, उसके ऊपर बंगाई लाइनिंग आने लगती है, हम कहते हैं डार्क बैंड बन रहा है टीवी में, अब डार्क बैंड बन रहा है पीछे कमरफुंग है ना। कभी कभी देखता होगा ऐसा, पुराने समय में टीवी जो होता था, अब एलसीडी एलईडी आ गया, पुराने समय में जो टीवी होता था वो जब खराब होता था ना तो पीछे मूवी चल रही होती है, मतलब पीछे लाइटनिंग होता पूरा, और ऊपर से क्या क्या आता था, बंगाई लाइनिंग आ जाता था, तो जो बंगाई लाइनिंग आ जाता था वो मुझे कहा जाता था
क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब उसमें से क्या कर लेते हैं, कुछ चीजों को वो एब्जॉर्ब कर लेता था। दूसरी बात यहां से देखोगे इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है कि डायरेक्ट यही होता है कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट आए, बीच में कोई कंपाउंड नहीं है और उसके ऊपर क्या कि पेन से पास कर दिए, तो वहां पर जो स्पेक्ट्रम बनता था वो इमिशन। तो ग्रेन नाइट रे पासिस थ्रू ऑन प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म। अब ये इमिशन स्पेक्ट्रम कौन हो सकता है, जैसे तुम्हारा बम्ब हो गया, सन हो गया, ऐसे भी इमिशन स्पेक्ट्रम कहता है ना। तो ये हो जाएगा थ्रू प्रिज्म, जब प्रिज्म से पास करेंगे देन इमिट्स कमर, एग्जांपल इससे तो बम्ब हो जाएगा, कैंडम हो जाएगा, या फिर तुम्हारा सन हो जाएगा, ये सब जो आएगा वो तुम्हारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम में आएगा। अब इसमें देखो सिंपल है, ये लाइट रे इसको पेन से पास किया, व्हाइट लाइट ये कई पार्ट में स्प्लिट कर गया, ये इसके ऊपर ये स्क्रीन लगा, यहां पर बैंड तैयार हो गया, इसे बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसे, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये इमिशन स्पेक्ट्रम भी दो टाइप का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम भी कितना टाइप का, दो टाइप का होता है, एक होता कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और दूसरा होता डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें किसी भी तरीके का डार्क बैंड नहीं बनता। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें ब्लैक बैकग्राउंड होगा और कमरफुंग बैंड होगा। तो कमरफुंग बैंड ऑन डार्क बैकग्राउंड, बीजीएम देते हैं, बीजीएम मतलब बैकग्राउंड है ना, तो कमरफुंग बैंड बनेगा किसके ऊपर, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर बनेगा। तो ये समझना है इसमें, क्योंकि सारे सारे कमर हैं, और जब सारे कमर हैं तो इसके पीछे क्या होगा, बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड तो ब्लैक होगा बट उसके ऊपर सारे कमर फोम आ रहे होंगे, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। हसन ये क्या होगा तुम्हारा, इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। कंटिन्यूअस क्या होगा तुम्हारा, जिसमें किसी भी तरीके का डार्क बैंड नहीं तैयार हो रहा होगा है ना, किसी भी तरीके का क्या होगा, डार्क बैंड नहीं तैयार हो रहा होगा, मतलब लगातार आएंगे है ना, कंटिन्यूअस जिसमें क्या रहेंगे कि सर इस तरीके से लगातार यहाँ पर, यहाँ भी है लाइट, यहाँ भी लाइट है, मतलब हर जगह पर पूरा लाइट आ जाएगा है ना, विजुअल। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेनबो, रेनबो में कंटिन्यूअस होता है, रेनबो में आप सेपरेट नहीं कर सकते कि कौन से कमर कहाँ पर खत्म हो रही है ना, सेपरेशन नहीं कर सकते कि सर यहाँ ब्लू है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ हाँ वो तुम्हें दिखेगा कि कंटिन्यू है कि यहाँ से यहाँ रेंज तक ब्लू है, फिर उसके बाद ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है ना, इस तरीके से दिखेगा तुम्हें, नहीं तुम नहीं कर सकते कि सर इतना जो लाइन है वो ब्लू लाइन है, फिर उससे नीचे से ग्रीन स्टार्ट हुआ, वो मिक्स दिखेगा तुम्हें। तो रेनबो में कंटिन्यूअस होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या लिखोगे, कमर्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड, कांट बी सेपरेटेड, कमर इसमें सेपरेटेड नहीं किया जा सकता है ना, कमर इसमें सेपरेट नहीं कर सकते, इसमें क्या होगा रेगुलर पैटर्न में रहेगा, रेगुलर पैटर्न इसमें प्रेजेंट होंगे, रेगुलर पैटर्न, जैसे हमें पता है रेनबो है ना, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है तुम्हारा, रेनबो, रेनबो में क्या होता है, रेनबो में जो विजुअल होते हैं वो एक पैटर्न में रहते हैं, उसमें नहीं कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये खत्म हो गया फिर स्टार्ट हो रहा फिर खत्म हो गया, तुम जब रेनबो देखता हुआ तो तुम कंटिन्यू दिखाई पड़ती है, उसके बीच में किसी भी तरीके का गैप या डिसकंटिन्यूस दिखाई नहीं पड़ता है ना, उस सब में क्या होता है, एक जगह से भांगड़ खत्म हुआ, अभी भांगड़ खत्म नहीं हुआ, वहाँ से स्टार्ट हो गया इंडिगो है ना, उसी में से कुछ मिक्स हो गया, फिर इंडिगो जैसे खत्म भी नहीं हुआ, वहाँ से यह स्टार्ट हो गया क्या, बुंगू
तो फिर जी स्टार्ट ग्रीन स्टार्ट हो गया, फिर येलो स्टार्ट हो गया, तो कंटिन्यू दिखेगा वो, तो वो तुम्हारा क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। जो रेनबो देख रहे हो तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, आंसर में क्या है वो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। डिसकंटिन्यूअस में दो स्पेक्ट्रम होता है ना, एक बैंड नाइन होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है बैंड, और एक होता है नाइन स्पेक्ट्रम है ना, बैंड होता है और क्या होता है तुम्हारा, नाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब ये बैंड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, तो पहले इसको कॉपी करूंगा, हमको जगह उधर नहीं है, इधर हम इरेज करेंगे उसके बाद बनाएंगे, तो आप इसको कॉपी कीजिए अच्छा तरीके से, उसके बाद हम इसको बात करते हैं, तब तक हम आप इसको। अब यहां से देखो बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम होगा कि जैसे अगर कोई नाइट है तो ये हर जगह, यहाँ ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऐसा बैंड में आ गया, कोई नाइट में नहीं आएगा, सब बैंड में आ जाएगा इस तरह से, है ना, तो ये बैंड स्पेक्ट्रम हो जाएंगे यहाँ से, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का बैंड स्पेक्ट्रम आ जाएगा, तो लिखेंगे कमर्ड बैंड फॉर्म, बैंड फॉर्म में आएगा डिसकंटिन्यूअस, इसमें आप नहीं सकते हो इलेक्ट्रिक बम को, नहीं सकते हो कैंडल, नहीं सकते हो ये सारे चीज़ आ जाएंगे, कैंडल आ जाएंगे, अच्छा मॉन्क्यूमर रेडिएशन आ जाएगा, मॉन्क्यूमर रेडिएशन जिससे हम आगे जब कोऑर्डिनेशन चैप्टर ये सब पढ़ रहे होंगे वहाँ पर देखेंगे कि कार्बोनेट सल्फेट ये सब क्या कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा होगा, तो वहाँ पर मॉन्क्यूमर रेडिएशन आएंगे यहाँ पे, तो ये मॉन्क्यूमर रेडिएशन ये सब आ सकता है ना। अब इसके बाद देखिए नाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें नाइन आएगा क्या आएगा, नाइन स्पेक्ट्रम में बात करेंगे तो क्या जाएगा इसका, नाइन्स आ जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा कि वेवलेंथ ऑफ कलर प्रेजेंट इन नाइन फॉर्म, अगर नाइन के रूप में रहता है ना तो उसे नाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो एक आपका आ गया क्या बैंड स्पेक्ट्रम और एक आ गया नाइन स्पेक्ट्रम। इसमें आ सकता है क्या तुम्हारा एग्जांपल इसका ट्रांजिशन एटम, एटम का इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो ट्रांजिशन ऑफ एटम है ना, जब एटम हम ऐसा पढ़े थे कि जब एटम क्या होता है कि सर लोअर एनर्जी से या हायर एनर्जी से जब लोअर पे उतरता है तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जब रिलीज होता है तो यहाँ से कुछ वेवलेंथ आता है, ऐसा हमने पढ़ाया था बोस पोस्टुलेट के अंदर है ना, तो जब बोस पोस्टुलेट के अंदर ऐसा पढ़े थे कि जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट पर जाती है तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर जाने समय वो कुछ एनर्जी को लॉस करते हैं, उस एनर्जी के द्वारा क्या होते हैं कुछ वेवलेंथ तैयार होता है ना। अब ये जो कुछ वेवलेंथ तैयार होता है उसके कारण से मुझे क्या हो जाते हैं, तो यहाँ से जो वेवलेंथ तैयार होता है वो वेवलेंथ मुझे नाइन स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, तो यहाँ से ही मुझे सीखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर हम यहाँ से ही बातें करेंगे है ना। यहाँ से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर बात करते हैं, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एच स्पेक्ट्रम जिसको कह दे, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सबसे पहला तो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता है सब एटम का, इमिशन में भी कैसा होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और डिसकंटिन्यूअस में भी ये कैसा है नाइन स्पेक्ट्रम, जिसे समझ सकते हो कि अगर मान लो हम यहाँ लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे कोई इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दिए, ऐसा यहाँ से कोई रेडिएशन आया इसने जंप कर, अब मान लो ऐसा एन वन बराबर वन रखते हैं, एन टू बराबर चौथा रख लेते हैं, चौथा हाइर स्टेट है इसका, और चौथा से पहला से चौथा पर भेज दिए, भेजने को तो हम भेज दिए लेकिन यहाँ अप्रोक्स जो होता है 10^-8 सेकेंड के बाद ही ये नीचे की ओर आने लगता है अपने पुराने स्टेट में, तो मान लो यहाँ पर एन थ्री है, एन बराबर थ्री है, फिर यहाँ एन बराबर टू है, ऐसा
तो भेजे तो हम हैं क्योंकि मुझे यहां से यहां तक भेजना था, तो एक से चार पे जाते तो बताओ एनर्जी कितना होता है, पहला पर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन बम, है ना, और इस पे चला जाते तो 0.85, है ना, -0.85 इलेक्ट्रॉन बम इस पे आ जाता है। तो इसका निकालो तो 0.85 इलेक्ट्रॉन बम, यहाँ का गैप निकालो तो कितना आ जाता है, 13.6 -0.85 मतलब 12.75 इलेक्ट्रॉन बम, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ये 12.75 इलेक्ट्रॉन बम, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन बम होता है और ये क्या हो जाता है तुम्हारा 12.75 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का गैप। तो हमको पता है कि अगर 12.75 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करके चला जाएगा चौथे ऑर्बिट पर, मेरे मर्जी से तो चला गया, लेकिन उसके बाद 10^-8 सेकेंड के बाद ही ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आना शुरू कर देगा। अब आएगा अपनी मर्जी से, गया तो मेरी मर्जी से लेकिन आएगा अपनी मर्जी से। अब इसकी मर्जी है इससे पहले 4 से 3 पे गए, 4 से 3 पे गया, फिर 3 से 1 पे आ गया, ऐसा या तो हो सकता है कि डायरेक्ट 4 से 1 पे आ गया, ऐसा भी हो सकता है, या तो हो सकता है ये भी कंजेशन आ सकते हैं कि 4 से 2 पे गया, 4 से 2 पे गया, फिर 2 से 1 पे आ गया, ऐसा भी आ सकता है ना कि 4 से 3 पे, 3 से फिर 1 पे, या तो 4 से 2 पे, 2 से 1 पे, या तो फिर 4 से डायरेक्ट 1 पे आ सकता, ऐसा भी जंप कर सकता है। तो ये कई चांसेस होगा इसको आने का। तो यहाँ पर हर एक बार जब ये जंप करेगा तो कुछ एनर्जी लॉस करेगा और उस एनर्जी के कारण से यहाँ पर वेवलेंथ आएगी, वो वेवलेंथ जैसे इसको कहेंगे लैम्डा कितना हो गया, 4 से 3 हो गया, 4 3 पर मोल, इसको लैम्डा 3 से 1 हो गया, ऐसा कर सकते हैं, ये लैम्डा 4 से 2 हो गया और ये लैम्डा 2 से 1 हो गया और ये लैम्डा 4 से 1 हो गया, ऐसे कई वेवलेंथ यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। जब हमने एक बार इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे भेजा तो मुझे एनर्जी पता था, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे जंप करने लगा है ना तो ये अपनी मर्जी से आएगा। जब इसकी मर्जी होगा हो सकता है ये 1 से 3 पर, 3 से 1 पर जंप कर जाए, या तो हो सकता है 1 से 2, 4 से 2 पे जाए, 2 से 1 पे आ जाए, या तो एक डायरेक्ट जंप कर सकता है, तो किसी भी तरीके से ये आ सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ आने की चांसेस इसमें बनता है ना, यहाँ पर क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ आने की चांस यहाँ पर तैयार होते हैं। तो जब डिफरेंट वेवलेंथ आने की चांसेस होगा, जैसे अगर तुम किसी बच्चा को उठाया और फेंक दिया कहीं पे, वो चला गया, अब बेचारा ऊपर से कूदने में से डर रहा है, तो एक स्टेप उतरेगा फिर दूसरा स्टेप में पूरा आ जाएगा, या तो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है तो थोड़ा और नीचे उतरेगा फिर वहाँ से कूद जाएगा, या तो अगर उसको डर ही नहीं है तो ऊपर से कूद जाएगा वो। तो कई चांसेस ऐसा हो सकता है ना कि वो हमको भेजने का तो भेज दिए लेकिन आने के समय वो क्या करेगा, कई स्टेप से उतरना उसे पड़ सकता है ऐसे में। तो ये चीज़ें तुम्हें क्या हो सकते हैं, ऐसे कंडीशन में इमिशन स्पेक्ट्रम तैयार हो सकते हैं। इसी इमिशन स्पेक्ट्रम में मुझे हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ से देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में N1=1 से लेकर ICM सीधा खींच लेते हैं, ऑर्बिट पर नहीं खींचते हैं, यहाँ पर मानो N1=1 ले लेते हैं, ये N2=2 है या N=2 है, N=3 है, 4 है, यहाँ N=5 है, यहाँ N=6 है, ऐसे ही जाता जाएगा, मान लो N=∞ है, N=∞ ऐसे कई हो सकते हैं। अब जब इमिशन स्पेक्ट्रम होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि सर ये लाइन से इस लाइन पे जंप कर गया, या तो हो सकता है यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, या तो ये हो सकता है कि सर यहाँ से ये पहला लाइन पे आ रहा है, हर एक लाइन से कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट लाइन पे जंप कर रहा है, हर लाइन से कहाँ जंप कर रहा है, फर्स्ट लाइन पे, इस तरीके से मान लो जंप कर रहा है, यहाँ से मान लो फर्स्ट लाइन पे जंप कर गया, ये इन्फिनाइट से मान लो ऐसा आ गया, तो कहीं से भी एक जंप कर सकता, तो एक वेवलेंथ का यहाँ कंस्ट्रक्ट तैयार हो जाएगा, बोले है ना। ऐसे ही सोचो कि सर इस पर जब जंप कर गया सेकेंड से थर्ड पे,
यहां से इस पे आ गया, यहां से इस पे आ गया, इस पे से इसमें आ गया, तो कहीं से भी तो जंप कर सकता है इसमें, इनफिनाइट से आ गया इसमें, ये यहां पर आ गया, तो यहां पर एक बैंड तैयार हो सकता है वेवलेंथ का। ऐसा ही सोचो इसके ऊपर, तीसरा चौथे से तीसरे पर आ गया, दूसरे से तीसरे पर आ रहा है, कई चांसेस यहां पर बन सकते, इससे इस पे आ गया, ऊपर से इस पे आ गया, इस तरीके से कई चांस आ सकता है। अब मान लो और भी करना है तो यहां पर देखो, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, इस जगह से यहां पर आ सकता है, और भी करेंगे तो यहां से यहां भी जंप कर सकते हैं, यहां से यहां आ सकता है। तो कई स्पेक्ट्रम लाइंस इस तरीके से तुम्हें क्या हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट ऑर्बिट पर आ रहा है, किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी ऑर्बिट से जंप करके कहां आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, इसका हम वो नाम दे देते हैं, इस सीरीज का नाम देते हैं नाइमन सीरीज। क्या नाम देते हैं इसे, नाइमन सीरीज। अब जो किसी ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पर उतर रहा है, इसे हम बोलते हैं बांगमर सीरीज, बांगमर सीरीज। और अगर किसी से थर्ड पे आ रहा है, इसे बोलते हैं पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज है ना, ब्रैकेट, इसका पी फंड या फंड सीरीज कहा जाता है। और अगर इसके आगे आएगा तो यह कहा जाएगा हम्फ्री सीरीज। तो इस तरीके से क्या होगा, नाइन स्पेक्ट्रा इसमें तैयार होगा, क्या क्या होगा, नाइमन, बांगमर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, इस तरीके से सीरीज आएंगे। अब इस सीरीज में क्या होगा कि हर वेव, हर एक वेव का अपना कुछ एक नाम होगा, है ना, हर एक वेवलेंथ का। जैसे पहला वेवलेंथ होता है तो इसको कहते हैं अल्फा, फिर इसको कहते हैं बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, थीटा, बीटा, ऐसा चलते रहता है। तो हम चार को याद रखना, अल्फा, बीटा, गामा। इसमें फर्स्ट लाइन को कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा, इसको कहेंगे गामा, इसको डेल्टा, ऐसे चलते रहेगा। इसमें भी होगा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे सब में चलता रहेगा। तो कई बार तुम्हें लिखेगा अल्फा नाइन ऑफ क्या, नाइमन सीरीज। तो अल्फा मतलब फर्स्ट लाइन की बात करता, फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगा, टू से थ्री पे, ये टू से वन पे आएगा, यहाँ से वहां पर आएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम, ये क्या तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आप इसे कॉपी करें। फिर इसके पास हम वो वेव नंबर और यहाँ से वेव लेंथ निकालने के लिए आपको यहाँ से सिखाया जाएगा, तो आप इसको एक बार कॉपी करना। अब देखोगे यहाँ से हम ये कहते हैं कि सर नाइमन सीरीज, बांगमर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट, इसका फंड और हम्फ्री, इस तरीके से इसका एनवन तो फिक्स रहेगा। देखो नाइमन के अंदर जो भी आएगा फर्स्ट वाले में पर आएगा, तो एन वन बराबर वन, इसका फिक्स रहेगा। इसका एन वन बराबर क्या होगा, टू। इसका एन वन बराबर क्या होगा, थ्री। इसका एन वन बराबर कितना होगा, फोर। एन वन बराबर फाइव और ये एन वन बराबर सिक्स। देखो इसके जो भी आएंगे फर्स्ट, जो जो लोअर स्टेट रहेगा उसको एन वन मान लेंगे। इसका लोअर स्टेट वन है, बाकी अपर हायर स्टेट तो क्या है, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें मोर स्टेट कितना है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स, ऐसा तुम्हारी। अब इसके एन टू की बात करूँगा तो एन टू जो होगा इसका टू से स्टार्ट होगा, टू थ्री फोर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना। इसकी एन टू की बात करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, थ्री फोर फाइव डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। इसकी एन टू की बात करोगे, इसका फोर से स्टार्ट होगा, फोर फाइव सिक्स
डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका एन टू की बात करोगे इसका कितना जाएगा 5, 6, 7 डॉट डॉट इन्फिनाइट आ जाएगा। इसकी एन टू की बात करूँगी 6, 7, 8 इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका एन टू की बात करूँगा क्या हो जाएगा 7, 8, 9 इन्फिनाइट आ जाएगा। तो जिस लाइन से स्टार्ट यहाँ से आएगा तो देखो पहला लाइन 2 से 1 पर है, 3 से 1 पर है, 4 से 1 पर है, 5 से 1 पर है, 6 से 1 पर है, वैसे इसमें देखो 2 पर आएगा। तो इन्फिनाइट तक से आ रहे हैं सबका सब, है ना, ये एमिशन स्पेक्ट्रम का पार्ट है। तो ये देखो जो फर्स्ट लाइन है तुम्हारा जो नाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, यूवी रीजन में आता है ना। इसके जो वेवलेंथ होते हैं वो अल्ट्रावायलेट के आसपास होता है। अब इसका जो वेवलेंथ है एन टू का ये विजिबल में आता है, तो ये विजिबल लाइन में आता है तुम्हारा, है ना। इसका बांगमर पार्शन ये सब जो आते हैं इंफ्रारेड में आते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं इंफ्रारेड। हाँ ऊपर वेवलेंथ ज़्यादा होगा फिर धीरे धीरे कम पता। अब इसमें देखोगे तुम्हें क्या किया जाता है, जैसे अगर हम नाइमन का फर्स्ट लाइन लेते हैं या कोई भी सीरीज जब लेते हैं तो उसमें जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, उस वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस मैग्नीट्यूड को कैसे निकाल सकते हैं, ये चीजें हमको देखना होगा। तो देखो हमने कहा क्या कि जब हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट पर आता है, है ना, इसके पहले आपने जाके बोस एटॉमिक मॉडल पढ़ें, समझे, बोस एटॉमिक मॉडल आप वहां से जाके पढ़ें। तो जब हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट पे जब आता है तो यहाँ पर कुछ एनर्जी गैप होती है, चेंज इन एनर्जी। अब आपको हमने चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया था, पीछे हमने जानबूझ के ये पढ़ाया था कि सर आर एच सी जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये हमने पीछे पढ़ाया था। अब चेंज इन एनर्जी बराबर आपको अगर वेवलेंथ के रूप में देख रहे हो तो एस सी बाई लैम्डा हो जाएगा, बराबर ना, एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा आर एच सी जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। एच सी से एच सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/λ जिसे वेव नंबर भी कहेंगे, ये वेव नंबर इज कम टू 1/λ, है ना, इसी को आर जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर रखेंगे। चलो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, ज़्यादा नीचे हो जाता आपसे, तो हमारे पास फॉर्मूला जाएगा कि सर वेव नंबर इसका टू 1/λ इज कम टू क्या हो जाएगा तुम्हारा आर जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो आप यहां से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, किसी भी वेवलेंथ का किसी भी वेव का किसी भी लाइन से, अल्फा लाइन हो, बीटा लाइन हो, गामा हो, डेल्टा हो, किसी भी लाइन से हो, उस लाइन से हम क्या कर सकते हैं उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसे कॉपी करें, उसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, वेवलेंथ निकालने की कोशिश करते हैं, वेवलेंथ आपको बताते हैं इसके ऊपर। अगर मान लो मुझे हम एक के ऊपर करके देखते हैं नाइमन सीरीज क्या, अगर फर्स्ट लाइन लेते हैं फर्स्ट लाइन क्या होगा इसका अल्फा। अब देखो फर्स्ट लाइन जब होंगे अल्फा तो नाइमन के लिए तो N1 = 1 होगा, नाइमन के लिए N1 = 1 होगा और N2 = सबसे फर्स्ट लाइन है तो N1 = 1 तो N2 = 2 N2 = 2 तो यहाँ N2 = 2 रखेंगे। अब देखो वेव नंबर निकालो या लैम्डा निकालो, तो तुम्हारा पहले वेवलेंथ इसके निकाल तो उसका रेसिप्रोकम हो जाएगा। तो यहाँ आर किसकी बात करें, हार्डवेयर स्पेक्ट्रम की बात करें अभी, या हार्डवेयर लाइक भी पर क्वेश्चन आ सकता है, तो जेड स्क्वायर आप लगा दोगे, हार्डवेयर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो तो एच बराबर कितना आ जाएगा, एच का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 1, तो जेड बराबर 1 आ जाएगा। तो जेड का भाई आर जेड स्क्वायर आपने पढ़ा 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, तो आर इंटू 1 का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या आपका 1/N1 का स्क्वायर मतलब 1/1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
कितना जाएगा आपको? 4। सर वन बाई लैम्डा इज कम टू आर, 1 माइनस 1 बाई 4 कितना जाएगा आपका? 3 बाई 4 आ जाएगा। तो 1 बाई लैम्डा इज कम टू 3 आर बाई 4, तो लैम्डा इज कम टू कितना जाएगा? 4 बाई 3 आर, 4 बाई 3 आर इस तरीके से। तो एक चीज ध्यान देना, 1 बाई आर का जो वैल्यू होता है वो 912 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, है ना, 912 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 1 बाई आर का वैल्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाई 3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम, ये इसके सबसे बड़ी देव। अब अगर हम अगर इसका लास्ट लाइन ऑफ की बात करें, आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए कि सर 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है मुझे? आर डी स्क्वायर 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर, ऐसा। अगर लास्ट लाइन की बात करें इसका, तो एन वन बराबर तो 1 ही होगा, अंतिम से ये आएगा एन वन बराबर तो 1 ही होगा, एन टू बराबर इन्फिनाइट हो जाएगा, एन टू बराबर इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका? सर 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, जेड स्क्वायर तो 1 ही स्क्वायर होगा, 1 बाई एन वन का स्क्वायर मतलब 1 बटा 1 माइनस 1 बटा इन्फिनाइट का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? आर आ गया, इसके हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 बटा आर आ जाएगा, मतलब ये 912 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। है ना, कितना आ जाएगा आपका? 912 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, ठीक है। देखो 912 से तो ज्यादा है, 4 बाई 3 टाइम्स ज्यादा, 1.33 टाइम्स ज्यादा हो गया, तो ये बड़ा वेवलेंथ होगा और ये छोटा वेवलेंथ होगा। तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा किसका? नाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इस तरीके से। तो आप समझ सकते हो जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है, नाइमन सीरीज कौन सा रीजन में आता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन का जो वेवलेंथ होगा वो 912 एंगस्ट्रॉम से 4 बाई 3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगा, है सर। तो एक और हम बता देते हैं, ये तो नाइमन सीरीज हो गया, हम एक और समझा देते हैं बांगवे सीरीज के ऊपर, उसके बाद आप सब सीरीज के ऊपर आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। नाइमन सीरीज आप कॉपी कर लें इसको। इसके बाद देखिए बांगवेर सीरीज, बांगवेर सीरीज में अगर फर्स्ट लाइन की बात करें, अगर फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, एन1 बराबर 2 आ जाता और एन2 बराबर 3 आ जाता। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, 1 बाई लैम्डा, अच्छा फॉर हाइड्रोजन के नहीं बात कर रहे, एच एटम के नहीं, मेरे पास जेड बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर मतलब आर इंटू 1 का स्क्वायर, 1 बाई एन 1 का स्क्वायर मतलब 1 बाई 2 का स्क्वायर, माइनस 1 बाई एन 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा इज कम टू आर, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9 तो 5 बाई 36 आ जाएगा, सुसम करके। तो 1 बाई लैम्डा इज कम टू एम से होंगे तो आपको आ जाएगा 36 ओपन 9 माइनस 4, तो 1 बाई लैम्डा इज कम टू आ जाएगा 5 बाई 36 आर। तो लैम्डा इज कम टू कितना जाएगा? 36 बाई 5 इंटू 1 बटा आर, 1 बटा आर का वैल्यू अभी बताया था आपको 912 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा इज कम टू 36 अपॉन 5 इंटू 912 आ जाएगा आपको। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, ये इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है,
हो गया इसका लॉन्गेस्ट बैक मंथ हो गया। और अगर तुम्हें क्या होता है सेकेंड की बात करें तो अगर लास्ट नाइन की बात करें बॉम्बे सीरीज का, तुम एन वन फर्स्ट तो क्या होगा एन वन बराबर टू ही होगा और एन टू बराबर इसका क्या होगा इन्फाइट, तो एन टू बराबर इसका क्या हो जाएगा इन्फाइट। अब यहां से वेवलेंथ अगर आपको निकालना है तो आप कर सकते हो वन बाई लैम्डा इसका टू आर जेड स्क्वायर, हार्डवेयर की बात करें तो हटा दो उसको, एन टू का स्क्वायर वन बाई फोर इन्फाइट तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो तो आपको आ गया वन बाई लैम्डा इसका टू कितना आ गया आर अपॉन फोर, लैम्डा इसका टू कितना गया फोर इंटू वन बाई आर, मतलब लैम्डा इसका टू फोर इंटू नाइन हंड्रेड इंटरेस्ट। अब ये देखो फोर से ज़्यादा है, छः पचे तीस सात पचे पैंतीस सेवन पॉइंट टू, ये सेवन पॉइंट टू समझ गया एंड नौ सौ बारह एंगस्ट्रॉम है। तो ये तुम्हारे आसपास जो आएंगे ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। इस तरीके से आप ये जो है ना ये रीजन जो तुम्हारा है वो रीजन क्या होगा तुम्हारा भिवजियोर का होगा है ना, भिजवंग का होगा, इसमें वायलेट से लेकर रेड तक इस तरीके से तुम्हारे पास क्या होंगे यहाँ से आ जाएंगे। तो आप ऐसे ही पार्शन का निकाल सकते हो, ब्रैकेट का निकाल सकते हो, प्रीफंड हमप्री किसी का भी निकाल सकते हो। तो आपको स्पेक्ट्रम का एक पार्ट खत्म हुआ, अगर आपको क्वेश्चन भी बनाता है हम क्वेश्चन एक साथ करवा लेंगे, अगर एनर्जी का भी क्वेश्चन करवानी है इसकी भी क्वेश्चन करवानी है तो एक साथ हम वहाँ पर क्वेश्चन करा लेंगे है ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम कराएं तो ये लेक्चर थोड़ा भरा जा सकता है। तो आप इतना सिर्फ ध्यान रखें कि जब भी एक से दूसरे पर जाता है तो वहाँ पर जो वेवलेंथ आता है उसकी फार्मूला होती है वन बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन बाई एन वन का स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू का स्क्वायर है ना। एनर्जी गैप अगर ज़्यादा होगा वेवलेंथ छोटा बनेंगे, अगर एनर्जी गैप अगर कम होगा तो वेवलेंथ बड़ा बनेंगे। यहाँ पर एनर्जी गैप कम था तो वेवलेंथ बड़ा बना था, यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा हो रहा था तो वेवलेंथ ज़्यादा बड़ा बन रहा था। तो हम अगले क्लास में जब आएंगे तो इससे रिलेटेड आपको क्या करेंगे क्वेश्चंस की बातें करेंगे और फिर इससे आगे की भी बातें हम कराएंगे। तो यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे इसका हम, तब तक के लिए योर हैप्पी डे, थैंक यू।